मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, घट तू और अभी मैं कब तक, घट तू और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, घट तू और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही मां, पालू केवल तुझको ही मां, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा आनंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। ओम शांति। ऐसे ही सर्दी के दिन थे और तापमान
जीरो डिग्री से भी शायद कम था, और एक राजा अपने राज्य के बाहर से जब भीतर प्रवेश करने लगता है, प्रवेश द्वार से, तो देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति सोया पड़ा है और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं है, पतले कपड़े, और इतनी ठंड में ठिठुर रहा है। तो राजा उसको पूछता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? वो कहता है, ठंड तो बहुत लगती है। तो तुम गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनते? वो कहता है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं है, और ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी शिशिर ऋतु, शीतकाल, जब भी इस तरह का मौसम आता है तो भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं, और अब मुझे आदत सी पड़ गई है, और कुछ ही दिनों के बाद तो ये मौसम भी बीत जाएगा, इसलिए ऐसे वैसे कैसे तो भी मैं इसको सहन कर लेता हूं। तो राजा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी राज्य में जा रहा हूं, शाम का समय है, अभी तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े भिजवाता हूं। और राजा वहां से निकल जाता है, राजमहल में जाता है, और जैसे ही राजमहल में जाता है, वहां का कारोबार और वहां की बातें और वो बात भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता है कि मैंने ऐसे किसी से बात की थी और उसको वचन दिया था और आश्वासन दिया था कि मैं गर्म कपड़े भिजवाता हूं, और राजा भूल जाता है। दूसरे दिन जब राजा उठता है तो सैनिक खबर लाते हैं कि राज्य के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति मर गया ठंड के मारे, परंतु उसने मरते मरते जमीन पर कुछ लिखा है। तो राजा चल कहता है, मुझे पढ़ना है उसने क्या लिखा। और राजा जाता है तो उसने जमीन पर लिखा था कि अब तक मैं इस ठंड को सहन करता आया, पर कल रात जब तुमने मुझे आश्वासन दिया, उसी आश्वासन ने मेरी जान ले ली। अब तक तो मैं सहन करता था, पर जब तुमने वादा किया और जब तुमने आश्वासन किया और मैंने उस पर उसको माना, और मैं इंतजार करता रहा उस विश्वास में, और वो गर्म कपड़े नहीं आए, तो वही ठंडी जिसको मैं इतने सदियों से सहन करता था, उसी आश्वासन ने मेरी जान ले ली। मरने के बाद कैसे लिखा? मरते मरते लिख गया। मनुष्यों का विश्वास, मनुष्यों का के आश्वासन, मनुष्यों से अपेक्षाएं, मनुष्यों से एक्सपेक्टेशंस क्या करती है? दुखी कर देती है। इस संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिससे हमें दुख न मिला हो। वो दुख सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो सकता है, जिससे भी अपेक्षाएं रखो बदले में दुख ही मिलता है। यदि किसी पर, किसी के आश्वासन पर विश्वास रखो तो बदले में दुख ही मिलता है। और इसी तरह हम सदियों से तंग हुए हैं, और जब बहुत तंग होते हैं साकार महावाक्य बाबा के, तब शरणागति ली जाती है। जब तुम बहुत तंग हो जाते हो, शरण पड़ी मैं तेरी, बाप की शरण में आते हैं। एक दूसरी मुरली है शरणागति पर साकार मुरली, पूरी की पूरी मुरली, जिसमें बाबा ने कहा है, शरण उसकी ली जाती है जो तुम्हें
सभी दुखों से छुड़ाता है, व्यथाओं से छुड़ाता है। शरण गुरुओं की नहीं ली जाती है, गुरुओं के पास कभी शरण लेने नहीं जाते, क्योंकि शरण तो तब ली जाती है जब तंग हो जाते हैं। गुरुओं के पास तो साकार महावाक्य ऐसे ही जाते हैं। परंतु तुम बाप के पास आए हो, शरण देने वाला केवल एक बाप ही है और कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम माया से तंग हुए हो। तो जब बहुत तंग हुए होते हैं, बहुत ही पीड़ित हुए होते, प्रताड़ित हुए होते, तब शरण ली जाती है, रेफ्यूजी। मुरलियों में शब्द आता है रेफ्यूज, तुम रेफ्यूजी हो, तुमने बाप की शरण ली है, और शरण देने वाला एक और एक केवल बाप ही है। कोई भी मनुष्य कभी भी शरण नहीं दे सकता है। और जिस जिस की हमने हम शरण गए, क्या कर दिया उसने हमारे साथ? छल किया, कपट किया, दुख दिया, दर्द दिया, आश्वासन दिया और तोड़ दिया। हमारे पीठ में जितने छुरे भोंके गए, जब दुख तो सबसे ज्यादा तब हुआ जब पता चला कि वो छुरा मारने वाला अपना ही था, तब ज्यादा दर्द हुआ। जब तक ये पता था कि कोई दूसरा है तब तक कुछ नहीं, पर जिस दिन पता चला कि चाकू तो उसी के हाथ में था, तब ज्यादा दुख होता है। इसलिए ऐसा ये संसार, जहां दुख के बादल है, आज सुबह की साकार मुरली, यहां दुख के बादल है, वहां सुख के बादल होंगे, पर यहां तो दुख के बादल है। जो ऐसा अनित्यम असुखम लोकम है, जहां दुखों के बादल ही है मंडरा रहे, ऐसे में क्या होना चाहिए? सारे राग विराग हुए। अब जितने राग है, ऐसे संसार से क्या राग रखना, ऐसे संसार से क्या मोह रखना, ऐसे संसार से क्या जी लगाना, ऐसे संसार से क्या प्यार करना। सारे राग अब क्या हो गए? विराग हो गए, मोह सारे त्याग हुए। अब यदि हम अपने मोह का एनालिसिस, मोह का एनालिसिस, हमारा जो मोह है उसका हम निरीक्षण करें कि किन किन लोगों में हमने जीवन में मोह रखा, और उनसे फिर हमें सारांश में या अंततः क्या प्राप्ति हुई, तो पाएंगे उस मोह से प्राप्ति क्या हुई? जीरो, यही मिला। खाता चट या ना में चला गया, पाया कुछ भी नहीं। फिर भी मोह ए आ से मोह था, फिर धोखा मिला तो बा से जी लगाया, फिर बा से धोखा हुआ तो सा को पकड़ा, अब इंतजार में है कब इससे भी धोखा मिलता है। और जब तक धोखा नहीं मिलता, झटका नहीं लगता, तब तक छोड़ती भी नहीं आत्मा। आ के अनुभव से और बा के अनुभव से कुछ ना सीखा, अब सा को पकड़ा हुआ है, ये भी धोखा देगा। इसलिए अपने मोह से स्वयं को ही छुड़ा दो। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र विदुर से कहता है, तो क्या दुर्योधन के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? मैं उसका पिता हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके लिए कर रहा हूं, चाहे ये सारी घटनाएं हो गई, लाक्षाग्रह सारी घटनाएं हो गई, द्रौपदी वस्त्र हरण, द्यूत कीड़ा, परंतु मैं यदि वृक्ष हूं तो दुर्योधन उसका फल है। मेरे साथ अन्याय हुआ तो क्या मेरे बेटे के साथ भी अन्याय होगा? क्या दुर्योधन के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? विदुर कहता है, महाराज दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका दायित्व नहीं, आपका रोग है। दुर्योधन आपका दायित्व नहीं है, आपका रोग है, मोह भी रोग है। इसके लिए सारे राग अब विराग हो जाए, मोह सारे त्याग हुए हैं। एक यही मेरा बंधन, कौन सा बंधन? मेरा जीवन,
तेरी शरण, हे प्रभु अब मैं तेरी शरण में आया हूं। शरणागति बड़ा ऊंचा शब्द है संस्कृत का, शरणागति। शरण किसको दी जाती है? जो असहाय है। और शरण देने वाले के भी बहुत सारे कर्तव्य है। जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा शरण देने वाले को करनी पड़ती है फिर, क्योंकि वो तो निरीह है, वो तो हेल्पलेस, भाग्यहीन, हैपलेस। अविरत रहा भटकता अब तक, भटकू और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही मां, एक यही मेरी है लगन। भक्त अपने इष्ट से कह रहा है कि बहुत भटका, परसों की मुरली थी ना, तुम्हारी बुद्धि बहुत भटकी है, अब तुम्हारा भटकना बंद हुआ है, अब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने मिला है, ठिकाना मिला है, एक बाप को अब याद करो। अब भगवान को पाने के बाद भी भटकेंगे कहां? मनुष्यों में, देहधारियों में, देहधारियों के प्यार में। एक बाप के अतिरिक्त किसी भी देहधारी से प्यार करना अर्थात श्रीमद के विपरीत, सभी देहधारियों से। आ से वैराग नहीं आना चाहिए, ना ही बा से, सा से भी नहीं, सभी से। एक व्यक्ति से नहीं, सभी से, क्योंकि एक से आएगा तो दूसरे को पकड़ेंगे। मूल दोष को देख लेना सभी के। अविरत रहा भटकता अब तक, निरंतर भटकता रहा अर्निश, भटकू और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही मां, एक यही मेरी लगन। एक ही लगन है अब बस, तू तू और तू, तेरे अतिरिक्त और कोई ना, बस उसी एक से प्यार। और बाकी के प्रति कौन सी दृष्टि हो? कल्याण की नहीं। आज की साकार मुरली, बाप तुम्हें जोर से उठाते हैं, बाप तुम्हें जोर से उठाते हैं कि भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर उठ जाओ। बाप तुम्हें भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर उठा देते, हटा देते हैं, ऊपर हटा देते हैं। एक ही दृष्टि हो भाई भाई की, परंतु ये बड़ी ऊंची दृष्टि है, ये दृष्टि बहुत ऊंची दृष्टि है। एक तो सारा प्यार एक परमात्मा के प्रति, और बाकी सब के प्रति केवल भाई भाई की दृष्टि। किसी के भी बंधन में, किसी के भी प्यार में, किसी के भी मोहब्बत में, इश्क में फंसना अर्थात बाप से भी मुख होना है। इसके लिए सभी के दोष को देख लेना कि ये जो भी है सारे आश्वासन देने वाले हैं। अब तक तो ठंड बहुत सहन की, पर अभी जो आश्वासन पकड़ लिया उसी ने मृत्यु को समीप ला लिया। तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो मां, हो कुसुमित, कुसुमित हो जाए ये नंदन, मेरा ये जो नंदन है, मेरा ये जो बगीचा है, मेरा ये जो उद्यान है, वो फिर से खिल जाए, फिर से उसमें पतझड़ समाप्त हो जाए और बाहर आ जाए, फिर से गुलजार आ जाए। हो कुसुमित मेरा नंदन, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन। एक ही बंधन है बस अब, तेरी याद, तुझसे प्यार, और कोई बंधन है ही नहीं। आज की मुरली में बाप तुम्हें वार्निंग देते हैं, ये मत समझ लेना कि हम कन्विंस अच्छा करते हैं, हम म्यूजियम अच्छा समझाते हैं। अरे विदेही कितना रहे, याद कितना किया। कोई कोई तो ऐसे है उनको ये भी नहीं पता दिनचर्या में कि मैं आत्मा हूं और कर्तव्य कर रही हूं, ऐसे बुद्धू। सारे राग विराग हुए, यदि नहीं हुए तो कर डालो। ये जो राग है, कल ही था ना, तुम्हें किसी से राग नहीं होना चाहिए। सारी मोह खत्म, मोह बहुत पीड़ा देता है, बेचैन किए रखता है। वो व्यक्ति की तरफ सारा ध्यान रहता है, उसी की याद रहती है, उसी को मैसेज, उसी के इंतजार कब कुछ आएगा। बहुत दर्द देता है मोह।
एक यही मेरा बंधन मेरा जीवन तेरी शरण। तो शरणागति एक पूरी साकार मुरली इसके ऊपर है, कभी तो चली कि शरणागति देने वाला केवल एक बाप है। तो ये जो शरणागति है इसमें चार सूत्र है शरणागति के। शरण अर्थात मैं तुम्हारी शरण में हूं, जैसे विभीषण शरण में आया राम के, किसी के हवाले होना। शरण अर्थात अपने आप को सौंप देना। शरण अर्थात वो उसकी शरण में गया, अर्थात नतमस्तक हो गया और आश्रय में चले जाना और हथियार डाल देना। शरण अर्थात आप ही त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। धरती पर कोई असुर कुछ करने लगता है तो सारे देवता भागते हैं विष्णु के पास, तो कभी शंकर के पास। विष्णु कहता है ये मेरे से नहीं होगा, उधर जाओ, तो वो उसके शिव जी के पास जाते। कभी कभी शिव जी कहते हैं मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरा ही वरदान दिया हुआ है, विष्णु के पास जाओ, वो कुछ करेंगे, कुछ युक्ति रचेंगे, अवतार भी उतार लेंगे और उसका कुछ करेंगे। तो ऐसे दिखाते हैं ना शरण। शरण बड़ा ऊंचा शब्द है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग कर, सभी धर्मों को छोड़ दे, देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग कर, मामेकम शरणम व्रज, मेरी केवल शरण में आ। अहम त्वाम पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करूंगा, मेरी शरण में आ जा बस। मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्करु, मेरी शरण में आ, मुझे याद कर। मद भक्ता माम नमस्करु, मुझे नमस्कार कर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। त्रिरत्न कहा जाता है इसे। बौद्ध धर्म इन तीन आधार पर है कि बुद्ध की शरण में जाओ, जो धम्म है, जो धर्म है, जो धारणाएं हैं और जो उनके प्रिंसिपल्स है, उस सिद्धांतों की शरण में जाओ, और तीसरा वो जो संघ है उसकी शरण में जाओ। तो शरणागति केवल यही नहीं है, सभी धर्म में है। एंड अन टू धी आई सरेंडर ओ लॉर्ड। जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़ा देते हैं, एक क्षण के लिए उसके मन में शंका उठती है कि ओ लॉर्ड हैव यू डेजर्टेड मी, हे प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया, जो मेरी ये दशा हो गई। परंतु अगले ही पल उसे ख्याल आता है कि नहीं, thy will shall be done, तेरी इच्छा जैसे तू चाहे, अब मैं तेरी शरण में हूं, और वो निश्चिंत हो जाता है। तो ये जो शरण है, ये जो शरणागति है, ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत है। तो इसमें मुख्य चार बातें हैं शरणागति के। सबसे पहला समर्पण। शरणागति अर्थात सबसे पहली बात सरेंडर। पर सरेंडर की वो परिभाषा नहीं है जो हमने समझी है। समर्पण बड़ा ही ऊंचा शब्द है। समर्पण अर्थात अहंकार नहीं। जो समर्पण अहंकार को पोषित करता है वो समर्पण नहीं, उसके विरोध है, विलोम शब्द है। समर्पण का विलोम अपोजिट शब्द है मैं। समर्पण अर्थात मैं हट जाए। वो भागवत में दिखाया है, श्री कृष्ण जाते हैं वन में और बांस का एक पेड़ है, वृक्ष बांबू ट्री, उसको कहता है मुझे तुम चाहिए। वो बांबू पूछता है बांस किस लिए, कृष्ण कहता है मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए। वो बांस का वृक्ष वो कहता है कि मेरे प्राण तुम्हारे लिए ही है, ले लो। पर कृष्ण कहता है मैं तुम्हें काटूंगा। वो कहता है चलेगा, जब मैंने तुम्हें समर्पण ही कर दिया तो तुम काटो या जो करो मुझे स्वीकार है। वो बांस का क्या कहेंगे, वो डंडा बांबू,
वो लेता है, उसको काटता है, उस पर छेद करता है, उसको बहुत पीड़ा होती है, उस बांस को बहुत दर्द होता है उसको, क्योंकि उसके शरीर में छेद किए जा रहे हैं, परंतु वो सहन करता है क्योंकि समर्पण किया है। अब समर्पण किया है तो सब सहन करना पड़ेगा, जितने भी छेद, ड्रिल ड्रिल मशीन से जितने भी ड्रिल दिए जाएंगे, छेद किए जाएंगे, सारे सहन करने पड़ेंगे। सारे सहन करता है और उसके बाद में कृष्ण वो बास उसकी बांसुरी बन जाती है और वो अपने अधरों पर रखता है और 24 घंटे बांसुरी उसके पास रहती है। गोपी गोप गोपिया और वो गाय, वो सब कहते हैं हमारा भी तुमसे प्यार है, पर तुम इस बांसुरी को अपने पास क्यों रखते हो? वो बांसुरी से ही पूछते हैं कि हमारा भी प्यार है पर 24 घंटे तो हम भी नहीं रहते उसके पास, तुम कैसे गए? तुम्हारा ऐसा कैसा भाग्य है कि तुम कृष्ण के साथ 24 घंटे रहती हो? और वो कहती है समर्पण, भगवान के साथ वही रह सकते हैं जो समर्पित है, जिन्होंने संपूर्ण स्वाहा किया है स्वयं को। उसके साथ वो कितना समय रहती है? 24 घंटे। तो सबसे पहली चीज है शरणागति में समर्पण, स्वाहा कर देना, सौंप देना अपने आप को, हवाले कर देना उसके, कि अब तुम देखो, अब तुम्हारी जिम्मेवारी, अब तुम ही चलाओ, हमें कुछ नहीं पता। और जैसे चलाओगे और जहां रखोगे और जो खिलाओगे और जो पहनाओगे, दोगे या नहीं भी दोगे, करोगे हमारे लिए कुछ या नहीं भी करोगे, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, थाई विल शैल बी डन, अब तू ही सब कुछ है, ये समर्पण। तो आज बाबा मिलन का दिन है, तो अपने मन को एक समर्पण भाव में स्थित करना है कि सर्वस्व स्वाहा, सब कुछ तेरे लिए, ये समर्पण का भाव। दूसरा है, पहला है परमात्मा के प्रति समर्पण, दूसरा है परमात्मा के विधान से संतुष्ट, परमात्मा के विधान से संतुष्ट। जा एक बार जो शरण में आ गया, अब तुम जहां पे भी रखो जैसे भी रखो, हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, जो भी दोगे उसमें संतुष्टता का भाव होगा। जैसे दिखाया है, एक इंग्लैंड की शॉप में एक युगल जाते हैं, बूढ़े हैं, कोई शायद उनकी शादी की कोई सालगिरह मनाने, और वहां देखते हैं वहां एक बहुत सुंदर कप है, चाय का कप, टी कप, और वो कप को लेना चाहते हैं तो कप उनसे बात करने लगता है, कप बहुत सुंदर है, वो कप बात करने लगता है, वो कहते इतना सुंदर कप कैसे बना होगा वो, तो कप बात करने लगता है और कप कहता है उनसे कि पहले मैं मिट्टी था, पहले मिट्टी, और जैसे ही एक कुम्हार ने, एक पॉटर जो बर्तन बनाने वाला जो होता है मिट्टी के, जैसे उसने मुझे लिया और उसने मुझे हाथ से गोल गोल किया, रोल किया, मुझे बड़ा दर्द हुआ, मैंने कहा रुको रुको मत करो ऐसा, तो वो जो कुम्हार था उसने कहा नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी और बाकी है। फिर मुझे बहुत दर्द हुआ, पर उसने मुझे जब ऐसे ऐसे किया मिट्टी को, गीली मिट्टी को, फिर उसने मुझे वो एक व्हीलिंग स्पाइरलिंग व्हील, क्या कहते हैं उसको, चक्की, जब उसमें चक्की में मुझे डाला तो मुझे तो चक्कर आने लगा, इतना चक्कर आने लगा, मैंने कहा रुको रुको रुको, उसने कहा अभी नहीं, अभी टाइम है, अभी और टाइम है, और मेरा तो पूरा एकदम पूरा दिमाग ही घूम गया इतना उसने मुझे घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, मैंने बहुत चिल्लाया पर वो नहीं माना, और जब रुका तो मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, सोचा अब तो ठीक है, पर और क्या, उसने मुझे एक ओवन में रख दिया, पकाया उसने, और इतना हॉट, मैंने इतने जोर जोर से चिल्लाया कि मैं तप रहा हूं, आग लग रही है मुझे, निकालो मुझे, निकालो मुझे, उसने कहा अभी नहीं, नॉट नाउ, वेट, और कितना तपाने के बाद उसने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद अब मुझे थोड़ी चैन की सांस ली मैंने, तब फिर वो पेंट लेकर आया कलर करने के लिए, और उसका वो सारा दुर्गंध पूरे मेरे नाक को दम नाक के अंदर घुस गया, मैंने चिल्लाया रुको 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 मत करो ऐसा, उसने कहा अभी नहीं,
अभी टाइम है, और वो भी जब पूरा हुआ तो मैंने सोचा अब पूरा हो गया, पर उसने वापस उस ओवन में रख दिया, उस भट्टी में, और इस बार तो टेम्परेचर पहले बार से डबल था। मैं इस बार इतना चिल्लाया, इतना रोया, इतना चीखा कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, पर ये मानने को तैयार नहीं। और फिर उसने बाद में निकाला, और एक घंटे के बाद एक आईना मेरे सामने रखा, और फिर मैंने कहा अच्छा मैं इतना सुंदर हूं। तो ये सब करना पड़ा मुझे। और फिर उसने मुझे समझाया, यदि तुम मिट्टी होती खाली तो वो मिट्टी सूख गई होती, इसलिए मैंने तुमको गीला किया और तुमको गोल किया, और यदि मैंने तुमको उस चक्की में नहीं घुमाया होता तो तुम क्रैक हो गई होती, और यदि मैंने तुमको उस ओवन में नहीं रखा होता तो तुम इतनी मजबूत नहीं बनती, और फिर जो दोबारा रखा तो इतनी टिकाऊ नहीं होती, और अगर पेंट नहीं किया होता तो इतनी सुंदर भी नहीं होती। तो यदि ऐसा कब बनना है निखिलेश भाई, तो रोल होना पड़ेगा, थोड़ा सा थपथपी सहन करनी पड़ेगी, चक्की में गोल 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 घूमना पड़ेगा, ये है शरणागति। और फिर भट्टी में तपना पड़ेगा पहली बार, और फिर पेंट वेंट लगाया जाएगा अच्छे से, और फिर वापस भट्टी में, और फिर आईना दिखाया जाएगा, तब तुम फरिश्ता और सुंदर बनोगे, तब तक नहीं। तो शरणागति अर्थात जो कोई भी परिस्थिति आए अब इस शरणागति के जीवन में, उन सभी परिस्थिति से संतुष्ट। हमने एक बार पहले भी सुनाया था, हम एक सेवा केंद्र पर गए थे, सेंटर पर, उस सेंटर पर दो ही स्टूडेंट थे, केवल दो ही स्टूडेंट। तो हमको आश्चर्य लगा इतना बड़ा सेंटर पर दो ही स्टूडेंट, पर वो एरिया ऐसा था कोकण का कि जहां पर लोग मच्छी वगैरह खाते, और उनको पता है ब्रह्मा कुमारीज में जाना, अर्थात ये छोड़ना पड़ेगा, कोर्स तो करते पर रेगुलर नहीं होते, तो वो सेंटर पर दो ही स्टूडेंट थे। तो मैंने उन बहन को पूछा था हमने कि ये कैसा है, यहाँ दो ही है? तो उन्होंने बताया ये ऐसा है, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया है। उस बहन ने कहा था मैंने इस परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि हम सेवा नहीं कर रहे, सेवाएं तो चालू है पर रेगुलर नहीं हो पाते, वो अलग चीज है। तो उसने कहा कि मैं अपना सारा समय अव्यक्त मूर्तियों के अध्ययन में लगाती हूं, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने में। और वो जो उन्होंने वाक्य कहा था अभी तक हमको याद है, इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, संतुष्ट। शरणागति अर्थात संतुष्ट, परमात्मा के विधान से संतुष्ट। तीसरा, शरणागति अर्थात कर्तव्य पालन, जो भगवान ने कर्तव्य दिए हैं उसके आज्ञाकारी। इसमें फिर ना नहीं आ सकता, जो भी आज्ञा मिले, जो भी श्रीमत मिले, हर श्रीमत में आज्ञाकारी, हर श्रीमत में कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ। तो कर्तव्य परायणता, आज्ञाकारिता, शरणागति अर्थात यदि कोई शरण में आ जाए हमारे और कहे कि मुझे उधर से बहुत दुख मिला है, मैं अब आपकी शरण में आया हूं, हमने कहा ठीक है ठीक है तुम यहां बैठ जाओ, वो कहते मैं यहां नहीं बैठूंगा मुझे दूसरा दो, अरे ये कैसी शरण में आए हो तुम। वो अपनी डिमांड्स प्रस्तुत कर रही है, कैसी शरण में आए हो तुम, हमने जो उसको कह रहे हो वो मानता ही नहीं है, क्या ये शरणागति हुई? शरणागति अर्थात जैसे ये विभीषण आ गया राम की शरण में, तंग होके आया ना, शरण मतलब तंग होके आना। सबसे दुख मिला, सबसे दर्द मिला, मोह जो रखे थे वो सबसे धोखा मिला, और फिर किसी की शरण में आए। तो जब शरण में आया जाता है तो क्या होता है? आज्ञाकारिता। अब तुम जैसा बिठाओ, जहां बिठाओ, जो कराओ, जैसा कराओ वैसा हम करेंगे, ये है शरणागति। तो शरणागति का तीसरा घटक है आज्ञाकारिता, परमात्मा के कर्तव्य, जो भी काम दिया जाए, जो भी सेवा दी जाए, सबके प्रति आज्ञाकारिता, ये वास्तविक शरणागति है। और चौथा, परमात्मा का निरंतर चिंतन, जिसकी शरण में आए हो उसके उपकारों को नहीं भूलना है, जिसकी शरण में आए हो निरंतर गुणगान गाते रहना उसके,
जिसकी शरण में आया हो फिर उसने जो कुछ कहा वो सब कुछ करते रहना। आज की मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान योग में मजबूत रहो तो क्या रहे, क्या हो जाओगे, पक्के सॉलिड बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पक्के सॉलिड। आत्मा के स्वधर्म में टिके रहो तो ताकत आएगी, ताकत आएगी। आत्मा में तेज आता है, बाबा ने कहा याद में रहो तो आत्मा में क्या आता है, तेज, नया शब्द है। आत्मा में तेज आएगा, ताकत आएगी, स्वधर्म में टिक जाओ। तो ये सारी जो शिक्षा है एक बाप की, इन्हीं शिक्षाओं का चिंतन करते रहना, निरंतर उसका स्मरण करते रहना, उसके उपकारों का, उसने हमारे लिए क्या क्या कर दिया, बजाय इसके कि उसने क्या नहीं किया और क्या उसको करना चाहिए था। शरण में आए हैं हम और विभीषण कहता है कि इससे तो मैं रावण के उधर ही ठीक था, इधर कोस रहे इसको, ये भी कोई खाना है, इससे तो लंका में अच्छा खाना मिलता था मुझे, या खाना खाने आए थे या शरण में आए थे, कमरा, ये कोई कमरा है रावण के पास, मेरे पास एक, मेरा एक सिंगल रूम था भवन, और यहां बंदरों के साथ उपद्रवी बंदर सोने भी नहीं देते, इसलिए शरण आया था क्या मैं? तो शरणागति अर्थात जिसमें समर्पण हो, सरेंडर हो, कंप्लीट सरेंडर, जैसे उस बांसुरी का उदाहरण। शरणागति अर्थात संतोष, जैसे वो टीकप का संतोष। शरणागति अर्थात तीसरा आज्ञाकारिता, जिसकी शरण में आए हो बस अब जैसा वो कहे वैसे ही चलना। और शरण में आना अर्थात चौथा कंपोनेंट, उसका स्मरण, निरंतर चिंतन। वैष्णव में शरणागति का बड़ा महत्व है, और उसमें भी उसके अलग छह घटक बताते हैं शरणागति के। सबसे पहला तो अनुकूलस्य संकलम, अनुकूल संकल्प करना, जो परमात्मा के अनुकूल है वो संकल्प। दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो परमात्मा के विरोध के संकल्प है, जो श्रीमत अनुसार संकल्प नहीं है उनका त्याग कर देना। तीसरा उसी को अपना रक्षक समझना, शरण मतलब अब मेरी रक्षा करने वाला वो है, कोई देहधारी मेरी रक्षक नहीं, कोई रक्षक नहीं है। अगला चौथा वही मेरा पालनहार है, मेंटेनर, वही मेरी सस्टेन करेगा, मुझे मेरी पालना करेगा, और दूसरा कोई मेरी पालना करने वाला है नहीं। हम यदि किसी व्यक्ति को अपना पालनहार समझते हैं तो उससे भी धोखा होगा। ये मेरी पालना करने वाला है, ये मेरी पालना, हमारा पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक परमात्मा ही पालन करने वाला है, तो वही क्या है, पालनहार है। उसके बाद में आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप अर्थात समर्पण, और लास्ट में ह्यूमिलिटी, ह्यूमल नम्रता। ये छह कंपोनेंट्स बताए हैं, घटक बताए हैं शरणागति के। तो आज बाबा मिलन का दिन है, तो मन को एक समर्पण भाव में स्थित करना, जब ऐसा समर्पण भाव होता है तो ही भगवान से अनुभव होते हैं, नहीं तो कोई अनुभव नहीं होते। जहां अहम है, मैं है, अहंकार है, मैं करता हूं, ये सारी बातें हैं, वहां पर कोई अनुभव नहीं होते। समर्पण अर्थात जैसे भक्तों का समर्पण, उससे भी कई गुना अधिक तो हमारा समर्पण है। तो उसके निरंतर चिंतन में रहना, उसकी जो आज्ञा है उसका पालन करते रहना, संतोष का भाव बना के रखना, और समर्पण। समर्पण भी सात प्रकार के, तन, मन, धन, बुद्धि, ये नहीं चलो दूसरे रीति से लो, मनसा, वाचा, कर्मणा, बुद्धि, संस्कार, कर्म, कर्म का परिणाम, ये सब चीजें समर्पण। संकल्प को समर्पित, बोल को समर्पित, कर्म को समर्पित, कर्म के परिणाम को समर्पित, तन को समर्पित, धन को समर्पित, बुद्धि को समर्पित, संस्कार को समर्पित, ये सारी चीजों का समर्पण अर्थात संपूर्ण समर्पण। तो मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग क्या हुए, विराग हुए, नहीं हुए तो आज कर दो।
एक यही बंधन, एक ही बंधन रखना है, एक परमात्मा बंधन, बाकी सब बंधन फंसाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दर्द देने वाले, ये एक ही बंधन है, सभी बंधनों से छुड़ाने वाला है। अविरत रहा भटकता अब तक, भटकू अब मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही माँ, बस यही मेरी लगन, मेरे चरणों को पर हो अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के सब गुण अवगुण सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा नंदन, मेरे जीवन का ये जो नंदन है, ये जो नंदन वन है, फिर से प्रफुल्लित पुष्पित हो जाए। तो आज सारे दिन भर मौन जितना हो सके, अंतर्मुक्ता की गुफा में जितना बैठ कर बाबा को याद कर सके, ज्ञान चिंतन में जितना अधिक रह सके, स्व चेकिंग आत्म अवलोकन जितना कर सके उतना करते रहना है, ताकि शाम का बाबा का जो मिलन है वो शक्तिशाली हो जाए और जिससे हमें कुछ गहरा अनुभव हो जाए। ओम शांति। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही माँ, पालू केवल तुझको ही माँ, पालू केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी ही है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ,
कथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा आनंदन मेरा जीवन